My name is Shreeja, but you can call me Princess. क्योंकि मैं हूँ एक्चुअली ऐसा पापा कहते हैं एंड आई हैव नो रीजन नॉट टू बिलीव हिम ऑल्दो उन्होंने जब मुझे ये बताया था हम एक स्कूटर पे बैठे हुए थे चार लोग राशन ऑफिस के रास्ते के लिए तो तब मुझे थोड़ा डाउट तो हुआ था कि आजकल चैरियट्स बड़े छोटे हो गए हैं But then things got confirmed when I got my first period. Because mere pad mein blue blood tha. Blue blood royal hota hai. Aap civilians ko shayad pata na ho. Main to bachpan se hi kaafi royal type ki rahi hoon. Like even when I was born, my first words were takliya. मैं अपनी मम्मी को राजमाता बुलाती हूँ बहुत ही रॉयल टाइप की रही हूँ मैं बचपन से बट दैट्स द थिंग माय पेरेंट्स फर्स्ट कन्विंस्ड मी दैट आई हैव रॉयल लीनिएज एंड देन दे ट्राई टू गिव मी अ मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग विच आई वॉजंट ओके विथ मुझे मेरी सिक्स्थ बर्थडे पर मेरे पेरेंट्स ने स्क्रैबल ला कर दे दिया जबकि मैंने क्लियरली बोला था कि मुझे दो दासियाँ चाहिए कौन लगाएगा टाइल्स वो इट्स बीन सच अ टफ चाइल्डहुड फॉर मी मैं स्कूल गई सब सेम टेबल पर बैठ कर पढ़ रहे हैं अरे तो जमीन पे कौन बैठेगा नाइन्थ स्टैंडर्ड में मेरे पापा मुझे आकर पूछते हैं हम क्या सुन रहे हैं तुम्हारे बारे में हमने सुना है कि तुम केमिस्ट्री में फेल हो गई I was like, गलत सुना है योर हाइनेस केमिस्ट्री में फेल हुई है फिर राजमाता ने मारे दो थप्पड़ मुझे पूरा वो हमारा लीनिएज तो मुगलई है बट एटीट्यूड उनका एकदम पेजेंट्स वाला है और इधर बैठकर ये अब चाय पत्ती गिन रहे हैं घर पर कि लग रहा है किसी ने चोरी कर ली है एंड कैन यू इमेजिन माई फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू रॉयल्टी वॉज देम These people. तो मुझे लगता था पहले कि महारानियों का पोशाक शायद यही होता है जो मेरी मम्मी पहनती हैं नाइटी और दुपट्टा आई गेस अकबर का भी नाड़ा लटकता रहता होगा बाहर क्या मालूम आपने वो सुना है वो स्टोरीज में कि किंग्स अपनी प्रजा में चले जाते थे डिस्गाइज पहनकर दिक्कतें जानने के लिए प्रजा की मेरे पापा ने उतारा ही नहीं प्रजा ही बनकर रह गए वो तो मेरे पापा की संपत्ति के तीन उत्तराधिकारी हैं सबसे छोटी मैं राजकुमारी श्रीजा मेरा बड़ा भाई राजकुमार गौतम द फर्स्ट और हमारा सबसे बड़ा भाई जिनके नाम पर मेरे पापा की सारी का सारा साम्राज्य है राजकुमार गोदरेज फ्रिज द थर्ड बहुत पजेसिव है मेरे पापा और गोदरेज भैया को लेकर एक शब्द नहीं सुन सकते उसके खिलाफ और वो खराब पड़ा हुआ है दो महीने से खराब पड़ा हुआ है वो मैंने जाकर बोला ठीक क्यों नहीं कराते तो बोलते हैं तुम भी तो लेफ्टी निकली तुम्हें ठीक कराया क्या हमने गो बैक टू योर आराम कक्ष बिल्कुल खराब है वो फ्रिज उस फ्रिज में आप मशरूम रखो तो और उग जाते हैं हम अपनी चाय अपने फ्रिज में ही बनाते हैं इतना गर्म है वो और रोज सुबह उठो तो उस फ्रिज के नीचे ऐसे एक पूल ऑफ वाटर जमा होता है साला बेड वेटर कहीं का ये संभालेगा मेरे पापा का साम्राज्य मैं रोज सुबह उठ के मेरी मम्मी मुझे नाश्ते में पोहा दे देती हैं आई हेट पोहा इतना ज़्यादा सूखा लगता है मुझे पोहा आई थिंक पोहा को मेनोपॉज हो चुका है बांझ नाश्ता है बिल्कुल गिव मी अ चेयर इफ यू लाइक पोहा
are you guys like poor or something? How dare you? I hate poha. और मेरे घर पर तो जो पोहा बनता है उसमें प्याज भी नहीं डलता कि कम से कम उसी से थोड़ा लुब्रिकेशन आ जाए. You know, मेरे आंसुओं से. Human body is 75% water and then poha. पूरा खा लेता है वो. एक बार मैं घर पे पोहा बना, मैंने सारे का सारा फेंक दिया नाली में. तो अगले दिन हमारे घर के आसपास की सारी नदियां सूख गईं. हमने अपना पोहा कैमल को खिलाया, उसको ORS देना पड़ा. मैं क्यों खाऊं पिटे हुए चावल यार? मैं तो बासमती के लिए बनी हूं ना यार. मैंने अपनी मम्मी को बोल दिया, अब इस घर में या तो मैं रहूंगी या पोहा रहेगा. रिसेशन चल रहा था तो मैं रह गई. तो अगले दिन से उपमा बनने लगा. उपमा से तो मुझे और नफरत है. उपमा का तो मुझे स्टेट ऑफ मैटर ही समझ में नहीं आता है कि सॉलिड है, लिक्विड है कि उल्टी है. इतना ज्यादा क्लेरिकल नाश्ता है वो. इट बिलोंग्स इन घाटकोपर. गिव मी अ चेयर इफ यू लाइक उपमा. आई एम रिपल्स्ड. आप में तो एम्बिशन भी नहीं है रिच होने का. मुझे पहली बार जब उपमा सर्व किया था कटोरी में, मैंने उसे मुंह पर लगा लिया. मुझे लगा फेस पैक है, क्योंकि मैंने तो नाश्ता मांगा था ना, तो मुल्तानी मिट्टी क्यों लाकर दी है मुझे? What kind of a psycho goes to a grocery store, sees suji, rye, gajar and mutter and thinks to himself, चलो इसको मिला देते हैं यार, मजा ही आ जाएगा, एक का भी स्वाद नहीं आएगा. And then they have the audacity to make this a part of breakfast buffets. Buffet. क्योंकि मैं 1499 प्लस टैक्सेस इसलिए भर रही हूँ कि एंड में थूक सकूँ. That's why every time someone serves me उपमा at a buffet, मैं उसकी शेफ की हैट उतार लेती हूँ और उसमें उपमा भर के उसी के मुंह में डाल देती हूँ कि तू मुंह में लेते रहा उपमा. आपके पास एक लाइव पैनकेक काउंटर है, उसके बगल में आपने खाद लाकर रख दी. गान मरा है उपमा. I'm really sorry for my language, but much that has been my time, guys. You all have been a lovely audience.